हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड बाय द कार मॉल। मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए होंडे की i20 लेकर के, जो कि स्पोर्ट्स वेरिएंट है। 2016 मॉडल फर्स्ट ओनर कार। जो गाड़ी की रनिंग है वो है केवल 42,000। तो आज इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे और दिखाएंगे इसकी अंदर से और बाहर से कंडीशन। तो चलते हैं, करते हैं गाड़ी का पहले एक वॉक अराउंड। तो फ्रेंड्स, मैं दिखाना चाहूँगा गाड़ी की फ्रंट से कंडीशन। आप देख सकते हैं बोनट पे किसी भी तरह का कोई स्क्रैच नहीं होगा, कोई डेंट मार्क नहीं होगा। गाड़ी पूरी क्लीन कंडीशन में आपको मिलने वाली है। होंडा ने काफ़ी अच्छा क्रोम भी ग्रिल पे यूज़ किया है, जो गाड़ी काफ़ी स्पॉटी लुक लग रहा है। और अगर मैं लाइट कंडीशन की बात करूँ तो वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन कंडीशन में आपको मिलने वाली है। बम्पर पर किसी भी तरह का कोई स्क्रैच नहीं होगा। अगर मैं गाड़ी की साइड कंडीशन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं गाड़ी पे किसी भी तरह का कोई स्क्रैच नहीं है। गाड़ी पूरी बॉडी लाइन से नीट एंड क्लीन होने वाली है। अगर मैं टायर कंडीशन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन में देख रहे हैं, और इसमें 14 इंचेस के आपको टायर मिलते हैं। अगर मैं कार के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो इसमें 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है आपको। अपनी जो ARAI माइलेज क्लेम करती है वो करती है 19 लीटर प्रति किलोमीटर का। अभी मैं हूँ गाड़ी के अंदर और आप देख रहे हैं गाड़ी के अंदर से कंडीशन। तो आपको मैं दिखा देना चाहूँगा कि गाड़ी की अंदर से भी काफ़ी नीट एंड क्लीन कंडीशन आपको मिलने वाली है। जैसा कि डैशबोर्ड आपको देख सकते हैं, डैशबोर्ड कितना क्लीन है, किसी भी तरह का स्क्रैच नहीं होगा। गाड़ी का जो इंटीरियर आपको ड्यूअल टोन में मिलने वाला है। और अगर गाड़ी के सीट की कंडीशन की बात करूं तो उस पर ऑलरेडी सीट कवर आपको लेदर फिनिशिंग में लगे हुए मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सीट कवर आपको लगे हुए मिलेंगे गाड़ी में। अगर मैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको दो एयरबैग मिलते हैं, जो कि एक स्टेयरिंग पे मिलता है, एक पैसेंजर साइड आपको मिलता है। अगर मैं गाड़ी के स्टीरियो की बात करूँ तो आपको कंपनी फिटेड स्टीरियो मिलता है। नीचे आपको एसी के पॉइंट मिल जाते हैं जहां से आप ऑपरेट कर सकते हैं। नीचे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जर भी मिल जाता है, USB पोर्ट मिलता है, ऑक्स का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। सेंटर में आपको दो कप होल्डर मिलते हैं और आर्मरेस्ट भी मिलता है, और आर्मरेस्ट के नीचे थोड़ा सा आपको स्पेस भी मिल जाता है जहां अपना सामान वगैरह आप रख सकते हैं। सनग्लास होल्डर भी आपको इधर मिल जाता है, दो लाइट मिलती हैं। अब मैं आपको गाड़ी के स्पीडोमीटर पे दिखा देना चाहता हूँ, जो गाड़ी रन हुई है वो आपको दिखा देना चाहता हूँ। क्लियर आप देख सकते हैं, गाड़ी के स्टीयरिंग पे ही आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। कॉल कट एंड पिकअप का ऑप्शन मिल जाता है, वॉल्यूम कंट्रोल इधर मिल जाता है, ट्रिप एंड रीसेट का ऑप्शन भी आपको इधर मिल जाता है। अभी मैं गाड़ी के बैक सीट पे हूँ, आप देख सकते हैं मुझे काफ़ी कम्फर्टेबल फील हो रहा है बैठने में और काफ़ी स्पेसियस है। अगर मैं गाड़ी के बैक सीट की भी बात करूं तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सीट कवर लेदर फिनिशिंग में आपको लगे हुए मिल रहे हैं, और आपको एक AC वेंट भी मिलता है पीछे, और उसे आप ऑपरेट भी कर सकते हैं यहाँ से फैन की स्पीड को। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखी गाड़ी की अंदर से और बाहर से सारी कंडीशन। तो अब हम गाड़ी के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये गाड़ी आपको मिल सकती है मात्र 4,95,000 रुपये में। तो आप कारमॉल आइए, विजिट कीजिए, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और छोटा सा बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मैं हर वीक आपके लिए लाता रहता हूँ ऐसी ही कार्स के अलग अलग वीडियोज़। आपको अगर और ज़्यादा जानकारी कार्स के बारे में चाहिए तो आप हमारे www.thecarmall.in पे जाकर के भी, हमारी वेबसाइट है उस पर भी बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, वहाँ देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।